हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि है सब्सिडियरी बुक्स। और कौन कौन से सब्सिडियरी बुक्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग में, उसके बारे में भी हमारा ये लेक्चर होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल पे आना है जो कि है कॉमर्स की पाठशाला। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सब्सक्राइब का, रेड कलर का। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करके इसके बाद जो बेल आइकन दिखेगा आपको उसके ऊपर भी क्लिक करना है, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। अब जब आप स्टडी कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू स्टडी करें। आप हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आए, यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की, एम कॉम न्यू, एम कॉम ओल्ड, बी कॉम न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सब्सिडियरी बुक्स। सो बिफोर वी लिस्ट इसको मैं थोड़ा हाँ सो बिफोर वी लिस्ट वेरियस सब्सिडियरी बुक्स इनटू द जर्नल इज सब डिवाइडेड, लेट अस अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ सब डिविजन। यू मे अडॉप्ट एनी बेसिस, बट द प्रिंसिपल इज जनरली फॉलोड इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर टू बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि सब्सिडियरी बुक्स में जनरली होता क्या है कि हम अपने बुक्स को सब डिवाइड कर देते हैं, और हर एक बुक को हम किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज एक मेरा जो ट्रांजेक्शन है, दिन साल भर का पूरा ट्रांजेक्शन है, वो सपोज परचेस से रिलेटेड है, तो मैंने एक बुक बना दिया परचेस डे बुक, जहाँ पे मैं जितने भी परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी मैं वहां पे स्टार्ट उसको करूंगा। ठीक है, एक मैंने बना दिया सेल्स बुक, तो यहाँ पे जितने भी सारी सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो सेल वाली ट्रांजेक्शन जो है वहां पर होंगी। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से सब्सिडियरी बुक्स को हम लोगों ने बांट दिया है ना, जो हमारा मेन बुक था जर्नल को, उसको हम लोगों ने बांट दिया सब्सिडियरी बुक्स में, जिसको हमने सब डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में, और उसमें हम पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फॉर एग्जाम्पल द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स मे बी ग्रुप्ड इनटू वन कैटेगरी एंड रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक, जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। आपने नाम सुना भी होगा कि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है, वो सारी की सारी चीजें हम एक बुक में कर रहे हैं, जिसे हम लोग कैश बुक बोलेंगे। सिमिलरली ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, जितने भी हम लोग क्रेडिट परचेस कर रहे हैं, ऐसा सामान जो हम लोग क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, मे बी ग्रुप्ड इनटू वन कैटेगरी, जिसको एक कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स इनटू अदर कैटेगरी एंड रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक, है ना, परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, आप समझ रहे हो? इस तरीके से हम इसको करेंगे। सो इन प्रैक्टिस द जर्नल इज सबडिवाइडेड इन सच अ वे दैट अ सेपरेट बुक इज यूज्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिपीटेटिव इन नेचर एंड आर सफिशिएंटली लार्ज इन नंबर, है ना। इसको इस तरीके से बांटा गया है ताकि जो ट्रांजैक्शंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जिसकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, उनके हिसाब से एक बुक बना दिया जाए, एक किताब बना दी जाए, जहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि बाद में हम चीजों को ठीक तरीके से एनालाइज कर सकें। सो इन एनी लार्ज बिजनेस द फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक्स आर जनरली यूज्ड। तो यहाँ पे लार्ज बिजनेस में ये आठ तरह की जनरल बुक्स जो है, सब्सिडियरी बुक्स जो है, जिनका इस्तेमाल होता है, हम एक एक करके अब इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कैश बुक। तो कैश बुक इस्तेमाल होने वाला बहुत ही कॉमन सब्सिडियरी बुक है, क्योंकि यहाँ पे आप कैश से रिलेटेड होने वाली सारी की सारी ट्रांजेक्शंस, रिसीट हो, पेमेंट हो, परचेज हो, सेल हो, जो भी चीजें कैश के थ्रू हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो इट इज यूज्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, इंक्लूडिंग कैश परचेजेस एंड कैश सेल्स ऑफ गुड्स, है ना। मैं थोड़ा पॉइंट्स को पहले हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहे पॉइंट्स, जी हाँ, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, बिल्स रिसीवेबल जर्नल, बिल्स पेएबल जर्नल, और आखिर में होगा जर्नल प्रॉपर। तो कैश बुक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कैश बुक मतलब जितने भी कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगी, चाहे वो उसका रिसीट हो, पेमेंट हो, परचेज हो, सेल हो, वो सारी की सारी चीजें जो है कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। अगला है हमारा परचेज जर्नल। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे परचेज से रिलेटेड जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होंगी उन सबको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हाँ, परचेज आपका क्रेडिट में होना चाहिए। अगर आप कैश में परचेज कर रहे हो तो आपको उसको कैश में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना, लेकिन अगर आपका परचेज उधार में है, क्रेडिट में है, तो आप उसको जर्नल में, परचेज जर्नल में आप रिकॉर्ड करोगे। सो इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली, है ना, यहाँ पे गुड्स के जितने भी क्रेडिट परचेजेस होंगे सिर्फ उन्हीं को वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। अब जब आप गुड्स की परचेज करोगे क्रेडिट पे, तो सपोज अगर कोई सामान खराब निकला तो आप उस सामान को वापस भी करोगे, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न।
तो उस चीज के लिए भी हम एक बुक बनाएंगे जिसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न जर्नल। सो इट इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, है ना। तो ये बुक का इस्तेमाल जो होता है उन सारे चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आप गुड्स को रिटर्न करते हो अपने सप्लायर को, ठीक है। सेल्स जर्नल परचेज जर्नल की तरह, सेल्स जर्नल अगर आप सेल्स उधार में कर रहे हो, क्रेडिट में कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, तो उसके लिए जो ट्रांजेक्शन के लिए जो बुक रिकॉर्ड का बुक जो इस्तेमाल में आएगा वो कहलाएगा सेल्स जर्नल। इट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स ओनली। आई होप कि क्लियर है। अब जब आप सेल कर रहे हो सामान को, तो हो सकता है कोई सामान आपने सेल करा वो खराब निकल गया, तो उसको सामने वाले बंदे ने आपको रिटर्न कर दिया, कस्टमर ने आपने रिटर्न कर दिया, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? आप उसको रिकॉर्ड करोगे सेल्स रिटर्न जर्नल पे, क्योंकि आपने सेल करा था और रिटर्न आ गया। सो इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? जो गुड्स रिटर्न कर दिए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगला है बिल्स रिसीवेबल। नाउ इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल का मतलब हो गया ऐसा बिल जिसके ऊपर आपको पैसे मिले, है ना, जिसके ऊपर आपको पैसे मिलने वाले हो। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल मतलब जहां पे आपको पेमेंट करना होता है बिल्स के ऊपर, और ऐसा जहां पे बिल्स पेमेंट रिसीवेबल होगा उसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स आ जाता है। तो वो सारी चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट्स अगर आप डेटर के पास से रिसीव कर रहे हैं तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आप उसको रिकॉर्ड करेंगे बिल्स रिसीवेबल जर्नल में, ठीक है। बिल्स पेबल जर्नल, सो इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीजें पेमेंट करनी है तो आप हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस पेबल में, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी जो सब्सिडियरी बुक है उसके बारे में, जो कि है जर्नल प्रॉपर। सो दिस बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल सच ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द अबव मेंशनड स्पेशल जर्नल्स। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ईटीसी, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ईटीसी, है ना। तो जर्नल प्रॉपर में वो सारी एंट्रीज एक तरीके से रिकॉर्ड करी जाती हैं जो शुरू के जो 7 बुक्स मैंने बताए हैं वहां पे नहीं की जाती हैं। सो ऐसी एंट्रीज जिनका पहले 7 बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे ड्यू टू देयर यू नो स्पेसिफिक फीचर, तो उन सारी चीजों को आपको रिकॉर्ड करना होगा जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि क्रेडिट परचेज आपने करा है फिक्स्ड एसेट का तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग एंट्री करनी है, क्लोजिंग एंट्री करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, वो सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जर्नल प्रॉपर में होंगी। सो इट मस्ट हाउएवर बी नोटेड दैट देयर इज नो रिजिडिटी एज टू द नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल्स, है ना। तो स्पेशल जर्नल्स को लेकर के कोई रिजिडिटी नहीं है कि इतने ही आप क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी द नंबर ऑफ जर्नल्स मे बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो जिस तरह से आपकी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने जर्नल्स के नंबर्स को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। सो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सब्सिडियरी बुक क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।